गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग, ओपन योर मॉर्निंग। सोशल साइंस डिस्कवरिंग चैप्टर नंबर 6 प्रैक्टिस जोन 2 प्रैक्टिस जोन 2 बेटा हमने इसमें इंडिया एंड इट्स स्टेट्स जो है वो चैप्टर स्टडी किया था। प्रैक्टिस जोन जो है 1 हमने कर लिया है, प्रैक्टिस जोन 2 करते हैं। क्वेश्चन है आपका डिफाइन यूनियन टेरिटरी, आल्सो नेम द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मुझे जल्दी से बताएंगे कौन सी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया दैट इज बेटा मैंने सिंपल आपसे पूछा है नेम द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ ये बताइए क्या नेम है जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी का। ला यस लक्षद्वीप। वेरी गुड, क्लैपिंग करो जिसने बताया। गुंजन ने बताया ये सुहानी ने, क्लैपिंग करिए सारे उसके लिए। गुड, चलिए राइट करिए आंसर। पहले है डिफाइन यूनियन टेरिटरी, तो आंसर में लिखेंगे एन एरिया इन इंडिया। नाम कैसे लिखना है अभी लिख रहे हैं एन एरिया इन इंडिया हमने नोटबुक पे भी लिखना छोटी में। एन एरिया इन इंडिया दैट इज रूल्ड डायरेक्टली दैट इज रूल्ड। एक्सक्यूज मी मैम हम लिख रहे हैं छोटी बुक में। हाँ जी बेटा बुक में डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर is called Union Territory. Next time we write करेंगे लक्षद्वीप लक्षद्वीप इज स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाम ये करना है। हाँ जी बेटा करना है, मैं क्या बोल रही हूँ इतनी देर से, राइट करिए इसको। नोटबुक में लिखना, जिन्होंने किया है वो नोटबुक में लिखेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो बुक में ही राइट करेंगे।
मैम नोटबुक में भी टाइप करेंगे। ए विहान म्यूट करिए फोन को। करिए जल्दी से फास्ट। Yes. मैम नो स्क्रीन शेयर। तो जब आप बोलेंगे तो नो स्क्रीन शेयर ही होगी। म्यूट योरसेल्फ। अक्षित हिमान म्यूट करेंगे फोन को। मैम साइड हो गए थोड़ी सी। लो बेटा स्पेलिंग्स करेक्ट राइट करेंगे सभी। I have done. Okay. Don't say I have done. Nobody can say. बेटा मत बोलिए बीच में। ये क्या लिखा है? बेटा तो मत बोलो बीच में, क्यों बोल रहे हो फिर? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी अभी बोलिए। किसके आगे? यू एन आई ओ एन के आगे। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एवा ए इनी तो पढ़ना मुझे। अबे म्यूट करो अबे फोन को। यस मैम। ओके आगे क्या लिखा है? मैं एक बार पूरा रिपीट कर देती हूँ। एन एरिया इन इंडिया दैट इज रूल्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस सर।
मैम नॉट स्पीशियस। बेटा मत बोलो, बीच में म्यूट करो फोन को, और 1 मिनट में करेंगे जल्दी से नेक्स्ट करना है अभी हमने, जल्दी करिए 1 मिनट में। एंजल नहीं लग रहा है पता, फोन को म्यूट करने के लिए बोला मैंने। मैम दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा से साइड हो जाओ। करिए अब ये क्या लिखा हुआ है? इसके पीछे के लिखा हुआ है? किसके पीछे? आई एस सी के पीछे लक्षद्वीप। अच्छा ए I have done that. Okay. I have done, ma'am. Okay. I have done, ma'am. Hey, चलिए पेज नंबर 81 निकालेंगे, डू एंड डॉक्यूमेंट। डू एंड डॉक्यूमेंट पेज नंबर 81। ओके, चलिए इसमें आपको कैपिटल्स से के रखी हैं डू एंड डॉक्यूमेंट 1 में, उनकी आपने स्टेट्स राइट करनी है। ठीक है, कैपिटल सी है, कैपिटल्स की आपने स्टेट्स राइट करनी है। तो फर्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद की क्या होती है स्टेट? आंध्र प्रदेश। ये है आपका आंध्र नंबर 81। आंध्र प्रदेश 81। आंध्र प्रदेश आफ्टर दैट कोलकाता, इसकी क्या है? वेस्ट बंगाल।
उसके बाद है इम्फॉल। इम्फॉल की क्या होती है? इम्फॉल की क्या है कैपिटल? मणिपुर। वेस्ट बंगाल। फिर है श्रीनगर। श्रीनगर यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी क्या है? श्रीनगर की, सॉरी, श्रीनगर की क्या है मैम? वो कैपिटल है, तो उसकी यूनियन टेरिटरी क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। मैम साइट हो ना? जम्मू एंड कश्मीर। फिर है मुंबई। मुंबई की क्या है? महाराष्ट्र। आफ्टर दैट पणजी। पणजी की क्या है? गोवा। फिर है चेन्नई। चेन्नई की है तमिलनाडु। फिर है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। एंड लास्ट वन इज लखनऊ। लखनऊ की है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। करिए इसको जल्दी से। मैम डू लिखना है ये डू एंड डॉक्यूमेंट पेज नंबर 81 जो है।